इंग्लैंड न्यूजीलैंड का तो मुकाबला हो रहा है, मगर ऑब्वियसली ध्यान फिर हमारा जाएगा टीम पाकिस्तान की तरफ। हम बात करते हैं प्रोसेस की बात की, जिस तरह प्रोसेस हो रहा है इंग्लैंड के प्रोसेस की बात की। वी नो द प्रोसेस दे हैव गॉन थ्रू। बैसबॉल सिर्फ ऐसे ही नहीं आ गया वन फाइन डे किसी ने आँख खोली और कहा हम बैसबॉल खेलेंगे। डोमेस्टिक में भी जो है उसको अप्लाई किया जा रहा है। अंडर 15 से बेसबॉल के कोचेस को इन्वेस्ट किया गया उस सेटअप में कि अब जो बच्चा खेले वो बच्चा 15 साल की उम्र से खेलता हुआ आए और इस अप्रोच को अपना सके। मगर लाला पाकिस्तान वे हमने भी शुरुआत की, हमने श्रीलंका के टेस्ट मैचेस में जब श्रीलंका के अगेंस्ट हमने टेस्ट मैचेस खेले वी प्लेड दैट वे और वो काम किया हमारे लिए। हमने अग्रेसिव क्रिकेट खेली और वो अग्रेसिव क्रिकेट आई, क्योंकि जैसे ही हमारे कोच आए थे ब्रैडबर्न ने आते ही कहा था जिसने इस स्टाइल से खेलना है वो खेले वरना वो घर जाए। क्या हो गया उसको, कहाँ गया वो पाकिस्तान वे, वो दो मैचेस के बाद व्हाट हैपेंड, वो अप्रोच घर चली गई बट प्लेयर्स वही हैं अभी। हम बहुत जल्दी किसी शेल में जल्दी चले जाते हैं। एक चीज़ को अगर आपने शुरू की है उसको लेके चलो ना, फिर उसके रिजल्ट्स तो आने दो ना। यस, आप कोई सिस्टम बनाते हो तो फौरन ठक करके तो नहीं चेंज करते, आप सिस्टम को टाइम देते हो, दो साल तीन साल देते हैं। तो ठीक है हमारी पाकिस्तान टीम ने शुरू किया लेकिन वो जगह नहीं थी शुरू करने की। नीचे आओ, वहाँ से जो ग्रास रूट लेवल है वहाँ पे काम करो। जो आपका नया प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उनको उस चीज़ की अवेयरनेस दो, उनको खेलने तो जब उस माइंड सेट के साथ जब वो ऊपर लेवल पे आएंगे ना वो फिर उनकी कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी। वो ये नहीं होगा कि एक दो मैचों में नहीं हुए तो उसने अपना गेम ही चेंज कर दिया, नहीं, उस चीज़ पर वो इतना मेंटली स्ट्रांग होगा कि नहीं मेरा तरीका यही है खेलने का और उसी को वो अप्लाई करेगा। ग्रासरूट जो भी नया एक्सपेरिमेंट करना है ग्रासरूट लेवल से शुरू करें। अभी करंट टीम को क्या करेंगे फिर, अभी इस इन लड़कों को क्या कहेंगे जैसे खेल रहे हो बस वैसे खेलते रहो? नहीं, अच्छा खेल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कोई कोई वो है प्लेयर नहीं हमारे। स्ट्राइक रेट हैज ऑलवेज बीन एन इशू विद टीम। वो तो वो हमेशा मुझे भी रहा है कि यार हमारे लड़कों का स्ट्राइक रेट जो 30-35 रन पे चले जाते, 30-35 पे अगर 30 रन बना रहे हैं, अगर 30-35 पे एक बैट्समैन चला गया तो उसको तो बॉल फुटबॉल नजर आना शुरू हो जाता है जो जेन्युइन बैट्स के बाद। तो जो जेन्युइन बैट्समैन है उसकी तो कोशिश होती है कि लंबे रन करे, उसके बाद रन करें, तो वो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें उस दिन भी बात हो रही थी कि आपके प्लेयर्स काफी सारे प्लेयर्स वो टाइम लेते हैं अपना, वो अपनी इनिंग को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं तो वो उस माइंडसेट के साथ जाते हैं। तो फर्क तो है ना सोच में आपकी। अगर आप इन प्लेयरों का माइंडसेट चेंज करें कि नहीं हमें थोड़ा सा स्ट्राइक रेट को बेहतर करना है, एवरेज स्कोर बेहतर करना है, तो आप कोच की तरफ से आएगा कि भाई आप फिक्र ना करो, आप सिक्योर हो, लेकिन थोड़ा सा गेम और उसको वो सिक्योर हो जाएंगे ना। जब प्लेयर को पता चलेगा कि यार मुझे कुछ नहीं कहेंगे, अगर मैंने एक ओवर में 2-3 चौके या छक्के मार दिए आउट हो गया तो कुछ कहेगा नहीं कोई, सपोर्ट ही मिलेगी, खेलेंगे लड़के, क्यों नहीं खेलेंगे, यही तो टैलेंट है आपके पास और कहां से लेके आए। बिल्कुल, अच्छा ये इसमें मेंटल सिक्योरिटी की बहुत जरूरत है और हमें ब्रेक की एक बहुत जरूरत है। जल्दी से जाएंगे ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक मजेदार डिस्कशन चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे।